एक दोस्त वीरेंद्र चंदेल, हम लोग श्रीखंड कैलाश की यात्रा पर 4 तारीख से निकले थे। मेरे साथ में इंदौर से मेरे मित्र 5 लोग थे और 2 लोग दिल्ली से थे। हम लोग 7 तारीख से गांव-गांव से कैलाश की यात्रा प्रारंभ की। जब हमने यात्रा प्रारंभ की उस समय पर मौसम बहुत ही अच्छा था। ऊपर जाने के बाद में मौसम अचानक खराब हुआ, जिसके कारण वहां पर पल पल हमें मौत दिखाई दे रही। वहां पर हमने अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखा। बर्फीला तूफान क्या होता है वो हमने अपनी आंखों से देखा। वहां पर इस कदर का तूफान ऊपर था जैसे मानो भगवान शंकर तांडव कर रहे हैं। हम दिन और रात कैसी निकाली है और हम लोग नीचे कैसे आए हैं वह सिर्फ हमें पता है। वहां पर कई लोगों की लाशें हमने अपनी आंखों से देखी। प्रशासन के द्वारा हमें किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली। वो इसलिए नहीं मिली कि वहां पर वाकई में प्रशासन भी क्या मदद करेगा, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है। ऊपर बहुत बारिश हो रही थी। हम जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए दिन और रात कंटिन्यू चलते हुए हम लोग नीचे आए हैं। ऊपर बहुत बारिश है, बर्फीला तूफान भी है, स्नो भी बहुत हो रही है। भोले बाबा के आशीर्वाद से हम सकुशल नीचे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश और खंडवा के पता नहीं कितने लोग हैं, बाकी मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग ऊपर फंसे हुए हैं। प्रशासन से निवेदन है कि उन्हें बचाया जाए और अगर कोई